नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित एक नमकीन भंडार की दुकान पर अल सुबह गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सुबह करीब 5 बजे बस स्टैंड पर स्थित अरोड़ा नमकीन भंडार पर गैस सिलेंडर का पाइप लीकेज होने के कारण आग पकड़ ली और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि सुबह गैस सिलेंडर चालू किया गया, जिसके बाद पाइप लीकेज होने के कारण सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सिलेंडर में आग लगने की सूचना तुरंत प्रभाव से दमकल को दी गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाना आरंभ किया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते दमकल नहीं पहुंचने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय पर दमकल पहुंचने की वजह से ही बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। दुकान के सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंच गए।